हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 2006 में जो प्रश्न पत्र आया था। अब हम उसमें जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जाने के बाद जो हमारा पहला है वो है संविदा के संदर्भ में असम्यक असर से आप क्या समझते हैं। आ, एक महाजन ने बा, एक किसान को 100 रुपये उधार के रूप में दिए और असम्यक असर का प्रयोग कर बा से 200 रुपये का रुक्का इस शर्त पर हस्ताक्षरित करा लिया कि बा रकम की वापसी 6% प्रतिमाह की दर से ब्याज देगा। क्या न्यायालय उक्त करार को दरकिनार कर केवल 100 रुपये उचित ब्याज की दर के साथ रकम की वापसी का आदेश पारित कर सकता है। समझाइए। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड है हमारा संविदा के संदर्भ में प्रस्ताव एवं स्वीकृति से आप क्या समझते हैं। आ, एक पत्र के द्वारा बा को अपने मकान बेचने का प्रस्ताव भेजता है। बा इस प्रस्ताव की अभिस्वीकृति पुत्र द्वारा ही आ को भेज देता है। इससे पहले कि बा की स्वीकृति आ तक पहुँचे, बा अपनी स्वीकृति का खंडन फैक्स मशीन के द्वारा आ पर पहुँचा देता है। क्या आ एवं बा के बीच करार होना माना जाएगा? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना सेक्शन बी में जो हमारे हैं। जो पहला है वो है संविदा करने की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा चौथा है प्रतिफल, यानी कि कंसीडरेशन, जो धारा 2 घा में। और इसके बाद हमारा प्रतिफल जो ये है ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारा पांचवा है स्वतंत्र सहमति, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर है छठा कपट एवं मिथ्या व्यपदेशन में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा जो सातवा है वो है कल्प संविदा, यानी कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आठवा जो है हमारा वो है परपीड़न, यानी कि कोअर्जन। उसके बाद जो हमारा नवा है वो है अनुचित दबाव। और उसके बाद जो दसवां है वो है समाश्रित संविदा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हमारा ग्यारहवां है बाजी की संविदा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा बारहवां है शून्यकरणी संविदा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद हमारा तेरहवां है शून्य संविदा, इम्पोर्टेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद हमारा चौदहवां है व्यादेश। फिर पंद्रहवां है हमारा संविदा का विशिष्ट अनुपालन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा 16वां है अवयस्क द्वारा करार, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद जो हमारा 17वां है वो है पारस्परिक वचन। फिर है 18वां निर्धारित क्षति। फिर 19वां है दस्तावेज का निरस्तीकरण। फिर उसके बाद 20वां है प्रतिबंधात्मक उपचार। और फिर उसके बाद सेक्शन सी में चलेंगे। सेक्शन सी में जो हमारा पहला है वो है प्रस्ताव स्वीकृति एवं उनके विखंडन के नियमों की व्याख्या कीजिए। प्रस्ताव स्वीकृति एवं उनके विखंडन की सूचना पहुंच पर क्या विधि नियम है, व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद जो हमारा 20वां है प्रत्येक संविदा करार है, जबकि प्रत्येक करार संविदा नहीं है, व्याख्या कीजिए। संविदा एवं करार में अंतर बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारा जो 23वां है, वो है घोषणात्मक वाद से आप क्या समझते हैं। विस्तृत व्याख्या कीजिए कि घोषणात्मक डिक्री का उद्देश्य क्या, का डिक्री का क्या उद्देश्य होता है। उसके बाद ये हमारा है आ के द्वारा बा को 20,000 रुपये दे है। क्या घोषणात्मक वाद के द्वारा ये घोषणात्मक डिग्री प्राप्त की जा सकती है? आ के द्वारा बा को 20,000 रुपये देना होगा। कारण सहित उत्तर दीजिए।